नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये इंडिया का पहला काम है। इसको लेकर शुभम वर्मा को बहुत बहुत बधाई है, मेरा शुभकामनाएं। शुभ मौजूद हूँ खादी मॉल और आज कितना तारीख हो गया? चार तारीख मतलब कल लास्ट है ना? कल तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले दिनों कि एक पर एक धुरंधर यहाँ पर मौजूद है और ये चेहरा देखिए आप, इस चेहरे को आप हल्के में नहीं लेंगे। ये चेहरा जो है शुभम वर्मा के नाम से मशहूर है और ज़बरदस्त मतलब काम को अंजाम देते हैं भाई, मतलब मेरे ही जैसे। वो इन्वायरमेंटलिस्ट कहिए इनको या फिर ये मतलब सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं और इनका काम मैं देखा तो मैंने सोचा कि भाई इनको जो है ना आपसे मिलाना चाहिए और आपसे बात करवाना चाहिए, क्योंकि मैंने इनको देखा क्या करते हुए कि ये क्या करते हैं कि जो शीशे का जो ग्लास टूट जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि मतलब कोई भी गाड़ी का शीशा टूट जाता है, थोड़ा सा भी टूटता है तो किसी काम का नहीं रह जाता क्या सर जी? तो अक्सर होता है कि उसको फेंकना पड़ जाता है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि उस फेंके हुए शीशे को लेके और बहुत ही खूबसूरत मतलब मेहनत करते हैं उस पर, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा बहुत करीब से, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से मतलब कोई छेनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ के उसको एक नया रूप और नई शक्ल दे देते हैं, चूँकि इतना खूबसूरत लगता है कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि वो टूटा हुआ है। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि देखिए हमारे बिहार के अंदर या हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे यूनिक लोग हैं और आप सोचते होंगे कि सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, मैं इनको मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। और शुभम वर्मा जी से मैं बात करूँगा कि शुभम वर्मा जी ये जो आप काम कर रहे हैं तो इस काम को के बारे में जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि शायद ये इंडिया का पहला काम है, तो इसका आइडिया फिर आप इससे कैसे लोगों को मतलब आगे बढ़ा पाएंगे, देश को कैसे एक लेवल तक ले जाएंगे इसके माध्यम से, अपने जो है हमारे चाहने वालों को बताएं। देखिए बात ऐसा है कि आज हम जिस दौर पे खड़े हैं, यहाँ पे होता ही है कि चीज़ों को बनाया जाता है इस्तेमाल करने के लिए, एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ फंक्शनैलिटी जी, तो सब लोग फंक्शनल बेस्ड सामान खरीदते हैं, आर्टिस्टिक बेस्ड सामान खरीदते हैं मार्केट से और उसको यूज़ करते हैं। जब बाद में वो सामान टूट जाता है, ख़राब हो जाता है या किसी काम का नहीं रहता तो लोग उसे कबाड़ में फेंक देते हैं। मेरा इस काम को करने का मकसद ये है, जो चीज़ आप कबाड़ में फेंके हो मैं उस कबाड़ से जुगाड़ निकालूँ। क्या बात, आपने जो चीज़ अपने इस्तेमाल से छोड़ दी, फेंक दिया, कूड़े में डाल दिया, मैं उन चीज़ों को चुनकर, उन पदार्थों को चुनकर उस पर काम करता हूँ। अच्छा, अभी जैसे ये मेरा लेटेस्ट वर्क है, इसमें क्या है कि मैं टूटे हुए शीशे को चुनकर लाता हूँ कबाड़ के यहाँ से, कबाड़ी से चुन के बीनता हूँ और उसके बाद उसको लाके एक नए कला का रूप देता हूँ। इससे पहले मैंने एक अंजनी सर का बनाया था पोर्ट्रेट और मैं इंस्पायर्ड हूँ इस काम को लेके एक साइमन बर्जर नाम के एक कलाकार है जो कि रहने वाले स्टॉकहोम शहर स्वीडन देश के, तो उनका काम था पोर्ट्रेट बनाना। वो क्या करते हैं कि चपटा कांच जो समतल होता है उसे बाजार से खरीदते हैं, पोर्ट्रेट का शक्ल देते हैं और ऑर्डर पे काम करते हैं, उन्हें दे देते हैं। मैं उसी कला फॉर्म को एक रिसाइकलेबल स्टाइल में लाना चाहता था अपने अंदाज में, तो मैंने बहुत सारे बदलाव किए उनकी इस कला श्रेणी में और एक अपने तरफ से एक नया कला श्रेणी का उजागर किया है। तो क्या ये मतलब इंडिया का ये पहला आर्ट आर्ट है? इंडिया का ये पहला आर्ट फॉर्म है और इंडिया का मैं पहला आर्टिस्ट हूँ जो इस काम को अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, तो सर मैंने जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, मतलब दो तीन दिन पहले ये खबर आई थी, तो मैं पूछना चाहता हूँ सर कि मतलब ये जो वेस्ट पे जो आप काम कर रहे हैं तो इससे जो है किस किस तरह का बेनिफिट जो है होगा हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे मतलब इकोनॉमिक को भी? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ेगा, मतलब बेनिफिट तो मिलेगा। और इसका क्या प्राइस होने वाला है जो आप मतलब डिजाइनिंग वर्क जो उस पर करते हैं, इसके बारे में सर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट की। हाँ, तो वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आप भी जानते हैं इस बारे में। अच्छा, तो हमारे दर्शक लोग भी जानते होंगे। तो हम लोग किसी भी वेस्ट को तीन तरह से रिसाइकल करते हैं। पहला होता है रिड्यूस, चीज़ों के इस्तेमाल में कमी लाना, फिर होता है रीयूज, उनको फिर से इस्तेमाल करना, और तब आता है तीसरा रिसाइकल। अच्छा, क्योंकि हम चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं, तो रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल, ये तीन आर, तो बस इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके पहले मैंने दानापुर जो प्रखंड है उसके 40 वार्डों का कचरा निवाहन का ये वेस्ट मैनेजमेंट पर मैंने काम किया। अच्छा, तो मैंने मॉडल बनाया उसके लिए और एक संस्था है आगा खान फाउंडेशन, हाँ, उनके लिए मैंने ये काम किया, वो भी काम मेरा बहुत अच्छा रहा। अभी इस कला श्रेणी के बारे में बात करते हैं, जो हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे इंटरवेंशन मैंने आज तक किए हैं।
लेकिन अभी तक यही कि मुझे कोई प्रॉपर मंच नहीं मिला, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला और आपके जैसा कोई सहयोगी नहीं मिला इस काम को समझने वाला, इसकी बारीकियों को देखने और पहचानने वाला। मेरे जैसा सहयोगी भाई या तो हमारे प्रतिभागी कम है, सहयोगी ज्यादा है। ये हमारे कंपटीटर है, जान लीजिए। हम दोनों कंपटीशन में इस प्रोग्राम में, मतलब अन्यान में ना, अन्यान में जो है, मतलब जिस स्टेट अवार्ड या मतलब जो प्रतियोगिता चल, राज्य पुरस्कार प्रतियोगिता चल रही है, उसमें हमारे ये कंपटीटर हैं। लेकिन हम लोग कैसे कंपटीटर हैं जो साथ में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पीते हैं, घूमते हैं, एक दूसरे का काम देखते हैं, समझते हैं, बारीकियों को उनकी नज़र में लाते हैं, और उसमें लगने वाले मेहनत और उसके लिए चाहिए हुनर, इन दोनों की कदर हम लोग। और ये बहुत अच्छा लगता है शुभम भाई, मतलब हम लोग बेसिकली एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, हम लोग मोटिवेट करते हैं। और आजकल जो एक चलन है डीमोटिवेट करने का, एक जो इन्वेंटर है, एक शोधकर्ता है, वो समझिए कि दिन रात मेहनत करके किसी चीज़ पे काम करता है, सोचता है। मेरा मानना है पर्सनली कि जब दोस्त बना के काम हो सकता है तो फिर दुश्मनी क्यों करें। मार्केट में लोग कंपटीशन से उतरते हैं, लेकिन मैं यहाँ दोस्त बनाते हुए उतरता हूँ। आप कुछ कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा, मेरा काम आपको पसंद आया, मैं आपको प्रमोट करूँगा, बिल्कुल प्रमोट करूँगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मुझे सपोर्ट करूँगा, ये चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ। क्योंकि कला किसी के बाप की जागीर नहीं है, कला और हुनर किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो कभी भी किसी के अंदर भी आ सकता है। और विश्वास कीजिएगा, मैं हजारीबाग में एक मल्हार कम्युनिटी के लोग होते हैं आदिवासी, उनके बीच में 4 महीने रहा, 4 महीने उनके गांव में जाके उनके बीच में रहा और ढोकरा कला का प्रैक्टिस किया, तब मैं समझा कि नहीं, कमल कीचड़ में ही उगता है। क्या कहने हैं भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक होता है एक पागलपन होता है, सनक होता है, जुनून होता है, ये सारी चीज़ों को का जो समावेश होता है वही सक्सेस होता है, कामयाबी होता है। दूर से हर एक चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब उसके अंदर जब आप इन करेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच कितना मेहनत करना पड़ता है। आप जैसे लोग हैं तो बहुत अच्छा लगा देखने के बाद आपके, मैं आर्ट को मैंने देखा, मैंने उसको समझा, मैं तो उतना जानता नहीं हूँ बेसिकली, लेकिन हाँ मैंने जो देखा मेहनत करते हुए आपको, उसके साथ साथ मैंने जो ऑब्जर्व करा है कि बहुत रिस्की काम भी, क्योंकि शीशा को तोड़ना थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, रिस्की है, बहुत कटा है, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। तो ये स्टेट अवार्ड में जो आप आए हैं यहाँ पे, तो मतलब ये स्टेट अवार्ड तो चल रहा है राज्य स्तरीय है, और हर विनर को 50,000 रुपये मिलना है और प्लस सम्मान तो अलग है। खैर पैसा तो हटा दीजिए, पैसा तो इंसान तो कहीं भी कमा लेता है, जीने के लिए दो रोटी चाहिए होता है, पैसा तो मैटर नहीं करता, लेकिन एक रेस्पेक्ट होता है कि स्टेट अवार्डी का एक टैग लग जाता है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारी दुआएं हैं कि आप इस बार विनर बन करके जाएं और यहां से टैग लेके जाएं कि स्टेट अवार्डी शुभम वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरा भी आपके लिए यही दुआ है, यही कामना है। तो दोस्त अभी आप सुन रहे थे हमारे भाई शुभम वर्मा जी को, जिनका दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिलता हुआ चला जाएगा अभी सबसे पहले, क्योंकि ये इनोवेटिव चैनल है, हमेशा इनोवेटिव चीज़ें हम लेकर आते रहते हैं। आया है जो शीशा जो टूट जाता है, जो कि किसी काबिल किसी लायक नहीं रहता है, उसको जो है एक अच्छा रूप दे दिया है, ये बिहार का नक्शा बना दिया इन्होंने। सोचिए साधारण काम तो नहीं है ये, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये इंडिया का पहला काम है। इसको लेकर शुभम वर्मा को बहुत बहुत बधाई है, मेरा शुभकामनाएं। शुभम भाई बहुत ही एक्टिव और स्माइलिंग आदमी है। चलिए फिर मिलते हैं नए मेहमान के साथ नई जगह पे, शायद जगह यही होने वाला है, एक दो वीडियो तो और बनाई लेंगे किसी ने। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।